हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। मेरा नाम ब्रिजेन है। मैं आप सभी के लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस पे मैं बात करूँगा बहुत ही प्रतीक्षित शिक्षक भर्ती परीक्षा 68,500 और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं विभिन्न लोगों के, बहुत सारे दोस्तों के, कि ये परीक्षा कब, इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका जो परसेंटेज है 33, 30 और 40, 45 का, इसका निराकरण क्या है, इसमें क्या डिसीजन आएगा और इस वैकेंसी को लेकर के बहुत तरह के प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा और ये संभावनाएं क्या बन रही हैं, उन संभावनाओं के आधार पे इस कट ऑफ का जो एक सस्पेंस है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आज की अपडेट आप सभी जानते हैं कि आज की अपडेट ये है कि जो 30-33% कट ऑफ मामले का जो आज कोर्ट में ये जो डेट थी, जो सुनवाई थी, उसके लिए सिर्फ डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये सुनवाई 14 अगस्त को होगी। तो ये 30-33% का जो मामला है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, इसके लिए सिर्फ डेट आपको आगे मिली हुई है। लेकिन क्या संभावनाएं बन रही हैं इसे समझना ज़रूरी है। आपको बताता चलूं कि ये जो लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा पे 30-33% कट ऑफ पे रोक लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि सिर्फ 40 और 45 अंक प्राप्त करने वाले, यानी मिनिमम जो पासिंग मार्क 40-45 है, वही इस वैकेंसी में जो है सफल माने जाएंगे और 30-33 वाले नहीं माने जाएंगे। तो इसको लेकर के समर बहादुर सिंह जी ने और इनकी टीम ने जो है कि ये रिट फाइल की और इसके खिलाफ लड़ाई जारी है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या होगा, क्या लोग पूछ रहे हैं कि इसमें डिसीजन क्या आने वाला है, निर्णय क्या आएगा कि क्या 30-33% को वैलिड माना जाएगा कि 40-45% को वैलिड माना जाएगा। तो अगर भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जो गाइडलाइन है उन पे विचार किया जाए, उनको ध्यान में रखा जाए, और तो संभावना ये बनती है। आपने कई सारे केसेस में देखा होगा जैसे कि 72,825 जो वैकेंसी आई थी 2011 में, उसमें भी ये था कि बाद में पहले था कि एकेडमिक मेरिट पे सिलेक्शन दिया जाएगा, फिर कहा गया नहीं नहीं TT के मेरिट पे दिया जाएगा। तो उसमें भी काफ़ी समय तक लड़ाई होती रही और फाइनली फिर ये हुआ कि जो नोटिफिकेशन में दिया गया था, नोटिफिकेशन की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो करके वैकेंसी कराई गई। तो उस बेसिस पे अगर उस केस का, उस केस को यहाँ पर रिलेट करके देखा जाए तो यहाँ संभावना यही बन रही है कि जो इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइन थी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क है 40-45 रहेगा, तो वो पक्ष थोड़ा सा भारी है, उसका पलड़ा भारी है या उसके होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखा जाए, जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से इस केस की पैरवी की जा रही है, की जानी चाहिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और परिस्थितियों को अगर आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि नहीं, 30-33% कट ऑफ का जो पक्ष है ये भी कहीं ना कहीं पावरफुल है। तो कुल मिला के ये है कि दोनों पक्ष 50-50 के कंडीशन में अभी है। अब मैटर ये भी करता है कि कितनी अच्छी पैरवी की जाती है। आप जानते हैं कि ऐसे मामलों में पैरवी और पक्ष जो हैं, जो तार्किक पक्ष रखे जाते हैं, जो पक्ष रखे जाएंगे, जो पैरवी की जाएगी, अगर वो पावरफुल होगी, वो दमदार होगी, तो डिसीजन का रुख थोड़ा सा बदल सकता है। और इस स्थिति में अभी आप मान के चलें कि लड़ाई थोड़ा सा तगड़ी है और 30-33% का केस ये ओके हो सकता है, बहाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैरवी बहुत ही ज़बरदस्त होने की ज़रूरत है। बाकी सरकार जो चाहती है लगभग वही होता है, सरकार के पक्ष में ही है। सरकार तो चाह ही रही है, कोर्ट ये चाह रही है कि 40-45% का जो नोटिफिकेशन में था वही होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन की गाइडलाइन के हिसाब से तो 40-45 ही रहेगा, लेकिन अगर पैरवी अच्छी होती है, तर्क अच्छे दिए जाते हैं और अच्छे से इसकी सुनवाई होती है, तो मान के चलिए कि 30-33 का जो ये पक्ष है ये भी अपनी विजयश्री हासिल कर सकता है। तो फिलहाल अभी आपको इंतज़ार करना होगा, 14 अगस्त को ही इसका फाइनल डिसीजन आने की उम्मीद है और तब तक आप अपने खुद से मनन करें और क्या है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें संभावनाएँ खुद व्यक्त कर देती हैं होना क्या है। तो उसके लिए आप खुद अभी अपने कमेंट दे सकते हैं कि आपके विचार से क्या है। और मेरा विचार ये है कि भाई नोटिफिकेशन वाला पक्ष मजबूत अभी ज़्यादा है और ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि पैरवी पे, पैरवी बेहतर होगी जो है, तथ्य और तर्क अच्छे दिए गए इसके फेवर में, तो मामला इसके पक्ष में आ सकता है।
दोस्तों ऐसे ही मैं नए वीडियो लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।